अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, बहनों, दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ख्वाब में खाना देखने की ताबीर बयान की थी। ऊपर आई कार्ड बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के आखिर में आप उसे देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ख्वाब में किसी को कत्ल करने का क्या मतलब होता है, इसकी क्या ताबीर होती है। नाज़रीन किराम, ख्वाब में किसी को कत्ल करने की 10 ताबीरें होती हैं। नंबर एक, हज़रत इमाम इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने किसी को मारा है लेकिन उसका सर नहीं काटा है, इसका मतलब यह है किसी मालदार आदमी से उसको भलाई और नेकी देखने को मिलेगी। नंबर दो, अगर आप ख्वाब में देखें कि आपको किसी ने मारा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र लंबी होगी। नंबर तीन, हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ये देखे उसको किसी ने मारा है तो इसका मतलब ये है कि उसे भलाई हासिल होगी और फ़ायदा मिलेगा। नंबर चार, अगर आप देखें कि एक जमात को, एक गिरोह को लोगों ने जुल्म से मारा है, नाहक मारा है, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी उम्र दराज होगी, लंबी होगी, बादशाह या किसी बड़े आदमी से आपको भलाई और फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, और जो जुल्म से मार डाला गया तो हमने उसके वली को गलबा दिया है, वो कत्ल में ज़्यादती ना करें। नंबर पाँच, अगर आपने ख्वाब में किसी को जुल्म से नाहक मारा है तो इसका मतलब है कि आप गुनहगार होंगे, ज़ालिम होंगे। अल्लाह ताला आप पर किसी को मुकर्रर फरमाएगा ताकि वो आपको सताए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तक्तुलु औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करो। नंबर छः, अगर आपने ख्वाब में किसी को मारा है और उसके जिस्म से हल्का फुल्का खून भी निकला है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसी कदर कहीं से माल हासिल होगा। नंबर सात, अगर उसके जिस्म को खून से लहूलुहान कर दिया है तो ये दलील है कि आप अपने माल से उसे कुछ देंगे। नंबर आठ, अगर आपने ख्वाब में किसी को इतना मारा है कि खून जारी हो गया है तो इसकी ताबीर ये है कि आपका दीन बर्बाद हो जाएगा। नंबर नौ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर आपने ख्वाब में किसी चार पैर वाले जानवर को या ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को मारा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन पर फतह पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। नंबर दस, ख्वाब में कातिल को खून आलूद, खून से लथपथ देखना बेवफा और ज़ालिम इंसान को देखने की पहचान है, अलामत है। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ख्वाब में किसी को कत्ल करने की आम तौर से यही ताबीरें होती हैं, लेकिन हर ख्वाब सच्चा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार काट, लड़ाई, कत्ल करना या कत्ल होना, इस तरह के ख्वाब आम तौर से शैतानी भी हुआ करते हैं। अगर आपको इस तरह के ख्वाब दिखें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, ख्वाब में सांप देखना, मछली देखना, खाना, शादी, मुर्दे देखना, जन्नत देखना, इन सब टॉपिक पर हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सवाब की नियत से शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله